में लिख रहे हैं कि सर मतलब कि सर मैं तो केवल जैसे कमेंट्स में जब मैं पढ़ता हूँ बच्चों के, तो सर मैं तो सिर्फ जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, कि सर मेरे को मतलब एनडीए टफ लगते हैं या फिर मतलब ये मैं इन क्वेश्चन को छोड़ दूं क्या। तो बच्चों एक बहुत बहुत बेसिक सी बात बोलने जा रहा हूँ, मतलब एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8-10 साल नहीं, मेरे को 21 साल हो गए, अब तो 22 माल चल रहा है नियर अबाउट, समझ में आया क्या। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि इससे पहले भी मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को गाइड किया जिनको ये लगता था यार कि आईटी एडवांस बहुत टफ होता है, और आई थिंक जेई मेन्स ही निकाल लिया तो उसी उसी में अपने को सक्सेस मिल गई। मतलब वो मानते थे कि यार जेई मेन्स के लेवल हम क्रॉस, उससे ऊपर के लेवल के कॉम्पिटिशन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मेरी एक बार बच्चों से बात हुई, हमने कहा क्या कर रहे हो कि सर जेई एडवांस तो होगा नहीं, हम लोग मेन्स पर ही फोकस कर रहे हैं। तो मैंने उन बच्चों को कायदे से बैठ के समझाया, हमने कि बेटा आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो, आप क्यों ये नहीं सोचते कि आप एडवांस के लेवल के हो, भाई भगवान आपको देना चाहता और आप एनआईटी में ही खुश हो, आप क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या। तो आप हमेशा अच्छा सोचो, ऊपर का सोचो कि हाँ यार मेरे को ये चीज अचीव करनी और इसके लिए हमें रात दिन एक करके मेहनत करनी है, समझ गया ना। और अभी से आगे के प्रेडिक्शन पर मत जाओ यार, हम अभी पढ़ रहे हैं तो राइट नाउ अभी जो हमारे टारगेट है, आज का जो टारगेट है, 3 दिन आगे का जो टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि यार आज का हमारा वर्क ये है कि आज जो लेक्चर आएगा उसे हमें अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी अटेम्प्ट करनी है, और जो कुछ पीवाईक्यू बताते हैं उनको अटेंड करना है। आज का टारगेट आज पूरा होना चाहिए, आज अगर पूरा हो जाता तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर बनने का सवाल ही नहीं होता। और हम इतना आगे क्यों सोच लगते हैं कि यार जी एडवांस को हमें देना है। आप मान के चलो यार कि आप अपने बारे में अच्छा ज्यादा नहीं सोच रहे हो, आप जेई मेन सोच रहे हो सकता है आप जेई मेन पहली बार में क्रैक कर दो, 99 ना सही 98.7 ले आओ, 98.9 ले आओ, है ना, तो वो भी एक अच्छा स्कोर होता है, उसमें भी आपको अच्छी खासी एनआईटी विद अच्छी ब्रांच के साथ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर फरवरी में आपने एनआईटी अच्छा सा स्कोर कर दिया तो उसके बाद जी एडवांस मान के चलो भाई साहब कि जुलाई या अगस्त से पहले तो होने का कोई चांस ही नहीं है, कि जब अब कल हुआ है यार जी एडवांस तो अगला एडवांस इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। तो कितना लंबा टाइम बचेगा आपके पास, 6 से 7 महीने का टाइम बचेगा, और उसमें तो आप एडवांस की ऐसी की तैसी कर सकते हो यार, अपन करो, है ना। जब हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं तो तुम्हें अपने बारे में गलत सोचने का अधिकार ही नहीं देते हम तुमको, कि तुम ये सोचो कि सर हमारे लिए मेंस बहुत है ना। तो सोच हमें ऊपर रखो यार, जितना ऊंचा सोचोगे उतने ही ऊपर बनोगे, क्योंकि फिर तभी तो इंस्पिरेशन मिलती है यार, हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करके दिखाना है, अलग बनना है, अपने आप को थोड़ा डिफरेंट बनाओ, आ रही बात समझ में। तो कभी भी इस तरह के थॉट बिल्कुल नहीं आने चाहिए। जब गाइड किया तो उन बच्चों के ग्रुप को, तुम विश्वास नहीं करोगे कि कई बार तो मेरे को भी लगता था यार ये बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन बच्चों में से कुछ बच्चों, सारे ने नहीं, उन बच्चों में से कुछ बच्चों ने मेरी जो प्लानिंग थी, जो मैंने उनको रोड मैप दिया था, स्ट्रेटजी बताई, उसको फॉलो किया, अच्छे से मेहनत की, और भाई साहब विश्वास नहीं मानोगे, 2015 या 16 एग्जैक्ट ईयर मेरे को याद नहीं, जब विक्ट्री सेलिब्रेशन उस समय एक रेप्यूटेड कोटा के कोचिंग में सीनियर पोजीशन पे था, आए थे बच्चे और वहां पर वो रैंक लगा के आए थे सर, एक साइड थी 2200-2300 कुछ रैंक की, एक बच्चे की 2600 रैंक थी, और बोला सर देखो मेरे को आईटी दिल्ली मिल जाएगा इसमें, आ रही बात समझ में। तो फिर बहुत रिग्रेट कर रहे थे कि सर आपने उस दिन इतने अच्छे से गाइड कर दिया, और बस हमने बस उसी दिन से लग गए कि नहीं अब हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो जे एडवांस ही निकालना, हमें हमने इतना अमाउंट खर्च किया, हमारे पेरेंट्स इतना सेक्रीफाइस करे हमको पढ़ाने के लिए, तो हमें अब जे एडवांस ही निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए, आ रही मेरी बात समझ बच्चों। तो कहने का मतलब है कि थॉट हमेशा अच्छा रखो, अपने बारे में कभी नीचे मत सोचो, आप मान लो बहुत ही स्पेशल हो, आप यूनिक हो, और आप जैसा कोई नहीं है, आप तो बस आप ही हो, समझ गए ना। अपने ऊपर पूरा विश्वास, क्योंकि सबसे पहला विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, फिर दूसरा विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर ईश्वर भी कुछ नहीं करता, समझ आया क्या। गॉड क्या कहता है, गॉड आपका काम नहीं करेगा, लेकिन गॉड आपको सजेशन देगा, गॉड आपको प्रेरणा देगा, अच्छे टीचर से मिलवाएगा, आपके पाथ को आसान बनाएगा। पेपर देने गॉड नहीं जाता, पेपर देने आप ही जाओगे। तो इसलिए सबसे पहला विश्वास अपने ऊपर, दूसरा ईश्वर पर, समझ में आया क्या, और फिर अपने हार्डवर्क पर, हार्डवर्क को स्मार्ट तरह से करो, समझ में आया क्या। तो आज मैं अपने प्यारे